नाउ वी आर सी अबाउट द सम नंबर 34। उसमें पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। अ फॉर्म मैन्युफैक्चरर्स एक्स प्रेशर कुकर्स, यानी कि एक फॉर्म है वो कितने प्रेशर कुकर का मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्स प्रेशर कुकर का, क्लियर। एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ, हमारे पास टोटल कॉस्ट इतना, ये हमारा टोटल कॉस्ट है, हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग 30 प्रेशर कुकर। इट मीन्स कि अगर हम लोग 30 प्रेशर कुकर बनाते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है, क्लियर। अब ये देखते हैं हमारे पास पहले तो अवेलेबल क्या है, एक तो कॉस्ट फंक्शन है तो उसको पहले लिख लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30 प्लस 13x एंड प्लस 5000, क्लियर। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमारा जो 30 प्रेशर कुकर का कॉस्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो 30 है वो हमारा क्या है, एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट को गाइस हम लोग किसकी जगह पे पुट करते हैं, एक्स की जगह पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स। अब हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे कितना वैल्यू पुट करना है, 30। सिंपली यहाँ पे कर देते हैं 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30 प्लस 13 × 30 एंड प्लस 5000, क्लियर। 30 का स्क्वायर गाइस कितना होता है, 900 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 13 × 30 कितना होगा, 390 एंड प्लस 5000, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, 30। इट मीन्स कि 30 प्लस 390 प्लस 5000 कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा 420, और 420 प्लस 5000 420। इट मीन्स कि हम लोग जब भी 30 प्रेशर कुकर का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अवर कॉस्ट विल बिकम्स 5420 रुपीस, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 35। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज डी इज इक्वल टू 25 माइनस पी बाई 4। इट मीन्स कि हमारे पास डिमांड फंक्शन है 25 माइनस पी डिवाइड बाई 4। फाइंड द डिमांड व्हेन प्राइस इज 40। हमें क्या करना है, डिमांड फाइंड करना है कब, जब हमारा प्राइस 40 होगा तब। ये एक क्वेश्चन हुआ। सेकेंड वन क्या फाइंड करना है, द प्राइस वेन द डिमांड इज 20, यानी कि हमें प्राइस फाइंड करना है कब, जब डिमांड 20 यूनिट होगा तब। इट मीन्स कि डी हमें पता है 20 और हमें पी हमारा फाइंड करना है, क्लियर। ये दो हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पी हमें पता है कि हमारा कितना है, 40 है, क्लियर। तो पहले पी की जगह पे क्या कर देंगे, 40 रख देंगे, तो डी इज इक्वल टू 25 माइनस 40 बाई 4। ये क्या हो जाएगा, 25, इन दोनों को कैंसिल करोगे कितना बचेगा, 10 माइनस 10, इट मीन्स कि 15। वेन एवर योर प्राइस इज 40 रुपीज एट दैट टाइम योर डिमांड बिकम्स 15 यूनिट्स, क्लियर गाइस। चलो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि डिमांड 20 है हमें पता है, क्या करेंगे, अगेन ये फंक्शन में d इज इक्वल टू 25 माइनस पी बाई 4। अब हमें क्या करना है, d की जगह पे 20 रख देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 25 माइनस पी बाई 4। ये पूरा फॉर्म का इस माइनस है, यहाँ पे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25 माइनस 20, ये माइनस हो गया, कितना हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5, और 5 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 5 × 4, यानी कि p हो जाएगा 20। इट मीन्स कि जब भी आपका डिमांड 20 है तब आपका प्राइस कितना होगा, 20 रुपीज, क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन हम लोग साम देखते हैं, साम नंबर 36। द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज, हमारे पास ये छोटा सा एक सप्लाई फंक्शन है। डिटरमाइन सप्लाई व्हेन द प्राइस इज रुपीज 12। हमें सप्लाई फाइंड करना है जब हमारा प्राइस 12 रुपीज होगा, क्लियर। सिंपली क्या करेंगे, यही इक्वेशन में सारा वैल्यू पुट कर देंगे। पी हमें पता है 12, तो एस इज इक्वल टू 5 × 12 माइनस 1। 5 × 12 गाइस कितना होता है, 60, और 60 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 59। इट मीन्स कि जब भी आपका प्राइस 12 रुपीज़ होगा तब आप कितने यूनिट का सप्लाई करते हो, 59 यूनिट्स का, क्लियर।